अस्सलाम वालेकुम गाइस, पॉडकास्ट विद नो कास्ट के पहले एपिसोड में आप लोगों का खुशामदीद। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट के पैसे हमारे पास है नहीं, कोई फंड मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक ऐसे बंदे को ले हैं जिसके बारे में बिल्कुल पता नहीं कि 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर इनके कैसे हो गए। बहुत ही ज्यादा घटिया ओवररेटेड और एडॉप्टेड चाइल्ड मोहे। अच्छा गाइस, वैसे मुझे एक बात बता, कल तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना? हाँ, देखो यार ये देखे गाइस, इसकी शक्ल देखे, दांत भी अंदर की साइड से टूट गया, यहाँ भी चोट लगी, यहाँ भी। क्या करने गए थे? गए थे वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट बनाने गए थे गाइस, यानी कि सिर्फ आप लोगों के लिए। अच्छा, हमारी गाड़ी की सीधा फुटपाथ पे लगी, जोर से मास का सर लगा मुझे। वो क्या सीन था, यहाँ से ड्राइवर जाते हैं भी तेज घुमा के लेके गया था मैं देखा। हाँ, ड्राइवर क्या कर रहा है, तेज घुमा के लेके गया, फिर क्या बोल रहा है? बोला यार वैसे माजरत, अभी से माजरत करो, मेरी थोड़ी रफ ड्राइविंग है। देखे गाइस, बोला भी जा रहा, कह रहा अभी तो रफ ड्राइविंग, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। तो पॉडकास्ट बंद करते हैं गाइस। नहीं नहीं नहीं, पॉडकास्ट बहुत। देखिए यार, मैं सिर्फ आप लोगों को ये साबित करना चाहता था कि इसको अपने पॉडकास्ट का, इसको अपने घर पे कोई नहीं बुलाता। लाइक कर दो। सबसे ज्यादा मुझे मुहिम की फनी बात ये लगती है, मैं एक चैलेंज में बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ था और उस चैलेंज के दौरान मुहिम कह रहा है कि, मैंने कहा गाइस मैं फंसा हुआ, मुहिम कह रहा है देखिए कितनी मेहनत कर रहा है, आप सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने बोला यार सब्सक्राइब नहीं होता, आज मेरी जान पे बनाई। तो गाइस, पॉडकास्ट विद नो कास्ट के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा एक हॉरर स्टोरी, क्योंकि मैं और मुहिम हम भाई हैं। वैसे मुहिम के बारे में आप लोग मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं, मुहिम वैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुहिम की तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। एक दफा 3 दिन तक ये घर से गायब था, हम लोगों को पता ही नहीं था कि घर से गायब हुआ है। 3-4 दिन बाद इसकी इंपॉर्टेंस का पता चला, वो भी शायद दूध या दही लाना था। हमने कहा यार चलो, ये तो दूध कौन लाता है घर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी फेवरेट ऐप जो है वो पॉकेट ब्रोकर है, जिसके सीक्रेट फंक्शंस के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। मेरा फर्स्ट सीक्रेट फंक्शन, आप इस फोरम को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को क्रिस्टल्स मिलेंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपने सक्सेसफुली अगर एक इन्वेस्टमेंट को देख लिया है और आप उसमें पैसे डाल चुके हैं और आप श्योर नहीं है कि 100% ये काम करेगा या नहीं करेगा, इन दिस केस आप इस फीचर को एक्टिवेट कर ले और रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ $100 में। और मेरा सेकंड कूल एंड सेफ फंक्शन ये है कि बैंक डिपॉजिट्स की तरह काम करता है। आप फंड डिपॉजिट कर लो और बिना कुछ करे सेफ प्रॉफिट कमाओ 10% तक। जो भी आप कमाते हो उसे आप इजीली विथड्रॉ कर सकते हो, किसी को कोई कमीशन नहीं देना। सो गाइस, आज ही आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी जल्दी से स्टार्ट करें। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिला है, जल्दी से जाके रजिस्टर करवाएं। और अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यानी कि ZALMI यूज करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 60% बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट। आज के पॉडकास्ट में फजूल बातें तो हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ये हमारे बारे में, जो हमारे बारे में नहीं जानते उनको हम बता दें कि आपका टाइम वेस्ट होगा ये पॉडकास्ट देख के। तो गाइस, मैं बचपन से ही मुहिब को कोई ना कोई स्टोरी सुनाता हूँ, एक हफ्ते में एक दो दिन, पर खास तौर पे जुम्मे से पहले वाली रात यानी कि जुमेरात वाले दिन मैं मुहिब को सुनाता हूँ हॉरर स्टोरी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें लैंडलॉक कंट्रीज का पता है? नहीं। लैंडलॉक तुम यार जाहिल है ना, एक तो नालायक बच्चा। लैंडलॉक वो कंट्रीज होती है जिसमें आप ना, जिसपे समंदर नहीं टकराता, जैसे कि अफगानिस्तान या नाइजर। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं वहां पे ना टैंकर चलाए जाते हैं कोई भी गुड्स या कोई भी पेट्रोल डीजल पहुंचाने के लिए, सही है? तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि पिशावर वाली साइड पे जो भी चीजें जाती है ना कराची की तरफ से, तो वो शिप से कराची पे उतरती है, वहां से जो है टैंकर या ट्रक चलाए जाते हैं और वो लोग लेके जाते हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज उन ड्राइवर्स की होती है, और वो भी लिबास खान भी एक ड्राइवर था। 2004-05 में जब मैं बच्चा तो मुझे मिला, जब उसने मुझे स्टोरी बताई कि मेरे साथ ये रियल में हुआ है, तो यकीन माने मैं इतना घबरा गया, इतना घबरा गया। मेरे लिए बचपन का सबसे ज्यादा डर बन गया था ये चीज। सुनाओ फिर। डर लग रहा है यार, मुझे रात को डर लगता है फिर। तो लिबास खान भाई कह रहे हैं कि मैं 10-व्हीलर टैंकर चलाता था जिसके 10 व्हील हो। तो वो कह रहा है कि जब मैं चला रहा था तो 1970s-80s में ना मैं एक ट्रिप पे था कराची से, मैंने अपना टैंकर भरा और टैंकर भर के मैं जाने लगा कहां पे, पिशावर की तरफ। बीच रास्ते में 70s-80s में मुझे बिल्कुल भी रोडे वोडे ना सही नहीं थी, यहाँ पे कोई हाईवे मोटरवे इतने नहीं थे, कोई आबादी कोई इंसान कोई कुछ भी नहीं मौजूद होता था। कहता है मैं तो जानवर भी नहीं दिखते थे, कह रहा है बस अपने सीधे रास्ते पे चलते रहते। एक बार कह रहा है कि मैं रात को 2-2.5 बजे ना, कह रहा है मैं जा रहा हूँ, चला रहा हूँ गाड़ी, कह रहा है एक बंदा ने मुझे इशारा किया। मैंने कहा यार इस एरिया में इस वक्त ये बंदा, टैंकर फुल था और मैं अकेला था, कोई कंडक्टर भी नहीं था मेरे साथ, तो मैंने कहा इसको बुला लेता हूँ, मिल बैठ के बातें शाते कर लेंगे, गपशप हो जाएगी। कह रहा है जब मैं उससे गपशप लगाने लगा, वो मुझसे बातें कर रहा है, कहता है मुझे कहता है कराची से तुम मछली नहीं लेके आए, ये वो 2-4 बातें उसने मुझसे की। कह रहा मैं भी लगा हुआ कि यार हमारा तो टैंकर का काम है, हम तो जहाज से टैंकर फुल करके चले जाते हैं, हम ये काम नहीं करते कि मछली पकड़ ली या मछली हो गई, इस तरह की बातें कॉमन मैन सवाल थे। कह रहा मुझसे नॉर्मल बातें कर रहा था, मछली लाए नीला है, और अचानक से कह रहा है मैंने उसकी टांगों की तरफ देखा पैसेंजर साइड पे, कह रहा उसकी टांगे यूं मुड़ी हुई थी। कह रहा शुरू मैंने, मुझे जब इंसान कोई अजीब सी चीज देखते ना, यूनिक चीज के सर मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा, आपको समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है। कह रहा मैंने थोड़ा फोकस किया, कह रहा मैंने देखा उसकी टांगे उल्टी थी। कहता मैं घबरा गया, मैं डर गया,
और अब उसको बता भी तो नहीं सकता। अगर उसको बताएगा कि भाई तुम्हारी टांगे उल्टी है, वो क्या करेगा? मार देगा उसे। वो उसे मार देगा। तो उसने क्या किया, उसने भी दिमाग से काम लिया। लिबास खान ने कहा, मैंने उस बंदे को कहा, पुराने जमाने के गंदे गंदे ट्रक होते थे, पुराने ट्रक होते थे, वो जल्दी खराब होने वाले थे, तो उसने कहा मैंने 5-7 मिनट गाड़ी चलाई उसकी टांगे देखने के बाद, उसके बाद मैंने ट्रक को ना टेढ़ा कर दिया, मतलब खड़ा कर दिया, और बोला ट्रक खराब हो गया। कहते जब मैंने उसको बोला ट्रक खराब हो, उसने कहा अच्छा क्या किया जा सकता है? कह रहा मैंने कहा यार अब तो धक्का लगाना है, और धक्का तो हम लगा नहीं सकते। तो उसने कहा क्यों नहीं लगा सकते? कह रहा वो जवान का बच्चा अकेला उठा है, उतरा है, कह रहा जब मैं गाड़ी के सामने बैठा हूँ और वो उतरा है यहाँ से, और उतर के जाके पीछे ट्रक पे धक्का लगाने लगा है। भाई कह रहा मैंने कहा एक बंदा कैसे धक्का लगा सकता है? कह रहा उस बंदे ने ट्रक को धक्का लगाना शुरू किया और ट्रक चलना स्टार्ट हो गया। कह रहा ट्रक जैसे ही थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ, कह रहा मैंने जल्दी से, ट्रक तो खराब था नहीं ना, मैंने कह रहा ट्रक स्टार्ट किया और घूम 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 भाग गया। कह रहा मैं वहां से भागा, मेरी आंखें लाल, मेरा दिमाग खराब, मुझे बुखार के आसार, मुझे टेंशन से मेरा बेड़ा गर्क हो गया। कह रहा मैं भागे जा रहा हूं, मैं नहीं रोक रहा, मैं रोक ही नहीं रहा। कहता है वैसे यहां पे 6-6 घंटों में 5-5 घंटे में कोई हाथ देने वाली सवारी नहीं होती। कह रहा अचानक से दूसरा बंदा सामने खड़ा हुआ। कह रहा मैंने तो रोकी ही नहीं भाई, मैं भागता रहा। मैंने बोला भाई अब तो मेरी अपनी जान पे आई है, पहले अपनी जान बचाओ। मैं कहा मैं पेशावर पहुंचूंगा कुछ भी हो जाए। 1-2 घंटे मैंने गाड़ी चलाई। कह रहा है 4-4:30 बजे के टाइम एक बंदे ने मुझे इशारा किया। कह रहा मेरा दिल धड़क रहा, मैंने 2-2.5 घंटे से गाड़ी चलाई हुई इसी टेंशन में, मैंने दिल किया कि यार ये तो अब वहां से बहुत दूर की बात है, नॉर्मल इंसान लग रहा है, इसको बिठा देता हूं और अपने दिल का हाल इससे शेयर करूंगा कि यार भाई मेरे साथ क्या मसला हुआ। ये शायद ये मुझे उसके बारे में भी बताए, शायद ये मुझे कोई पानी वानी पिलाए, कोई करीब जगह ही बताए स्टे करने की, ताकि मैं थोड़ा इस मसले से निकल आऊं। कहता है मैंने उसको बिठाया, वो बैठा, कह रहा कैसे हो भाई? मतलब ठीक हूं। और मैंने उससे कहा कि यार भाई शुक्र है तुम आ गए यार, अभी मेरे साथ पीछे इलाके में बहुत बड़ा मसला हो गया 1.5 घंटा पीछे। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा यार मेरे साथ एक बंदा आके बैठा, कहता है वो कोई बला थी या पता नहीं क्या चीज था, उसकी टांगे उल्टी थी, वो तो शुक्र है मैंने छुपके से देख लिया उसको, और उसको देखने के बाद मैंने उसको पागल बना दिया कि जा पीछे धक्का लगा गाड़ी स्टार्ट करके भाग आया। कह रहा मैंने कहा कि वो बंदा खुश हो जाएगा कि यार भाई तूने तो सही पागल बनाया उसको। कह रहा उस बंदे ने मुझे कहा अच्छा उसकी टांगे उल्टी थी? कह रहा मैंने कहा हाँ। कह रहा उस बंदे ने अपने पांचे उठाया और कहा ऐसी तो नहीं थी, उसकी टांगे भी उल्टी थी। कह रहा मैंने जब उसकी टांगे देखी, मैं वहीं पे ही, मुझे आखिरी सीन उसकी टांगों का याद है बस, मैं बेहोश हो गया हूँ। कह रहा वो उस बंदे की बहुत क्रीपी स्माइल थी। कह रहा मैं बेहोश हुआ हूँ, ट्रक लगा है, ट्रक साइड पे किनारे पे लगा, मैं बेहोश हूँ, ट्रक शायद गलती हुआ या क्या चक्कर हुआ। भाई साहब जो है वहां से सिर्फ अकेले रिकवर हुए हैं, वो भाई साहब जो दूसरे थे जिन्होंने टांगे दिखाई थी उनको, वो नहीं थे। टांगे या पांव होते हैं यार, हम पठान हैं, हमारे टांगों और पांव के बीच में बड़ा फर्क है यार, मतलब हमें नहीं समझ आती कि टांगे क्या होती है, पांव पैरों की बात कर रहे हैं हम लोग, सही है। तो भी बंदा हमें मुझे बचाने आया था, जिसको मैं मिला था वहां पे बेहोश किया बेहोशी की हालत में, उस बंदे ने मुझे कहा कि वो इंसान वहां पे मौजूद नहीं था, आप वहम देख रहे थे या क्या चक्कर था। कह रहा पर मुझे 100% श्योर है कि 3-4 different faces के लोग मेरे पास 3-4 घंटे के बीच में है। अगर एक बंदा नींद में होता है तो 5 सेकंड के लिए होगा, 2 सेकंड के लिए होगा, इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। वो बंदे ने जब ये बात मुझे बताई, मैं 8-10 साल का था, मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि यार ये क्या सीन है। तो गाइस ये है आज का पॉडकास्ट, मुझे तुम्हें कैसा लगा? डर लग रहा है, रात को कैसे सोऊंगा? सही बात है यार। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। हमारे लिए भी दुआ किया करें, कराची में कंटेंट बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी चीना जब्ती होती है, कभी कुछ और होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी जल्दी आर्मी लाइक सब्सक्राइब कर देना, मेरे छोटे भाई के लिए भी दुआ कर देना कि अल्लाह ताला इसको अकलमंद बनाए, भी काफी कम अकल। अस्सलाम वालेकुम।